वेलकम बैक टू स्टार स्पोर्ट्स। बात करेंगे अभी हम चैंपियंस कप के ऊपर, जो चैंपियंस कप के प्लेऑफ का आज तीसरा मैच खेला जाना था, बारिश की नजर हो चुका है और उसका फायदा यूएमटी मारखोर को हुआ है और यूएमटी मारखोर फाइनल में क्वालिफाई कर गई है। सर, किस तरह देख रहे हैं आप यूएमटी मारखोर को? इस चीज का तो फायदा हुआ है कि लीग मैचेस के अंदर वो टॉप पोजीशन में थे और उसका फायदा इनको प्लेऑफ के अंदर हुआ है, और ये मैच आज नहीं हो सका और बारिश की नजर हुआ है जिसकी वजह से फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसपे मैं समझता हूँ कि यकीनन जो उन्होंने इनिशियल जो भी पदाई मैचेस थे जी उसमें जो परफॉर्मेंस दी थी वो उनको इस वक्त जो है वो काम दे गई है, और जो मुखालिफ शाहीन की टीम थी वो जाहिर है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई थी पदाई मैचेस में, और उसका उन्हें खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ा जी। और अब एक अच्छे मुकाबले की हम तवक्को लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर ये नजर आ रहा है जो वेदर फोरकास्ट चल रही है इस वक्त वो ये है कि शायद जो फाइनल मैच है वो भी बारिश की नजर हो जाए। और इस सूरत अच्छा सर, अगर फाइनल मैच भी बारिश की नजर होता है तो ये पीएसएल के बाद हमारा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, और हम ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं चाहिए कि रिजर्व डे होना चाहिए फाइनल के लिए, कम से कम फाइनल के लिए तो होना चाहिए। नहीं यकीनन ये बात बढ़िया है। मैं और जिस तरह हम देख रहे हैं आलिया जो सिलेक्शन के वजह से मामला थे सोशल मीडिया पे थोड़ा सा जब उन्हें हाइप मिली जी वो हाईलाइट हुए तो उन्होंने उस जो डिसीजन था स्पेसिफिकली हम बात करें इमरान खान के हवाले से तो उसको उन्होंने फॉरन रिवर्स किया और उसको लिया टीम में। तो एज सच यही बात है कि अगर हम थोड़ा सा इसके हवाले से बात करेंगे तो यकीनन जो फाइनल मैच है उसके लिए जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं जी वो मुंतजर हैं एक अच्छे मुकाबले के लिए, और अगर आप उस मुकाबले को जो बारिश की नजर कर देते हैं तो यकीनन ये क्रिकेट के हवाले से भी और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से उस तरह से अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव चीज नहीं है, और इन्हें लाजमन रिजर्व डे रखना चाहिए जिसमें जो भी टीम्स पहुंची हैं फाइनल में वो अपना मैच खेलें प्रॉपर, और आप अच्छे तरीके से जितने भी आपके स्टार प्लेयर्स हैं उनको एक्सपेरिमेंट उनका कर सके उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से उनकी चीजों के हवाले से। सर, शायकीन का पर जो जिस तरह हमने देखा है टूर्नामेंट के स्टार्ट के अंदर, जैसे हमारे स्टार प्लेयर्स वापस गए हैं, शायकीन भी आना बंद हो चुकी हैं, जिस तरह बाबर आजम के फैन बाबर आजम को मिलने के लिए बेताब थे और ग्राउंड के अंदर भी छलांगे लगा के हमने उनको देखा है कि आते हुए, अब वो प्रजोश नहीं देखा जा रहा, वो जोशो जज्बा नहीं देखा जा रहा शायकीन के अंदर, शायकीन स्टेडियम का रुख नहीं कर रहे, तो ये किस तरह आप इस चीज को देख रहे हैं? हाँ ये चीज यकीनन बड़ी अहम है और इसको डिस्कस किया जाना चाहिए, लेकिन ये एक फैक्टर है जाहिर है, जब आपका कोई भी प्लेयर होता है उसको जब वो स्टार प्लेयर कहलाता है वो इसी वजह से स्टार प्लेयर कहलाता है कि उसके साथ फैंस की एक बड़ी फौज मौजूद होती है, अगर वो फैन फॉलोइंग उसकी ना हो तो शायद वो इतना बड़ा स्टार जो है वो ना बन पाए, और ये क्रिकेट बोर्ड ने जाहिर है लेकिन उसने अपने मामला देखने हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी तो उनको उसने साथ साथ रेस्ट भी देना है, उसने बड़ी सीरीज के लिए उनको संभाल के रखना है, और जो बर वक्त जो टाइम है उनका फॉर्म में आके परफॉर्म करने का उस टाइम में अगर वो उन्हें अवेलेबल होंगे तो ही फायदा है उनका, और उसी वजह से शायद स्टार प्लेयर है, अगर वो नहीं अपना परफॉर्म कर पाते उस टाइम पर तो शायद उनकी जो परफॉर्मेंस है जो उनका स्टार प्लेयर का टैग है वो उस तरह से उनके साथ ना रहे, ठीक है, तो वो ये फर्क का डिफरेंस है उसका जाहिर वो फेस करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद अब अगर रिजवान की टीम पहुंची और रिजवान खेल रहे हैं तो यकीनन वो मौजूद है टीम के साथ और उनकी भी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग मौजूद है, तो ये लिमिटेड सा फर्क जरूर पड़ेगा लेकिन मेरा ख्याल को इसका कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा टीम्स के अंदर। सर, दुनिया में पाकिस्तान फास्ट बॉलर की वजह से जाना जाता था और हमने इस टूर्नामेंट के अंदर अपने सबसे बेस्ट जो बैट्समैन बॉलर्स खिलाए हैं, और हमें सिर्फ एक ऐसा बॉलर नजर आया है जो हमें लग रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो यंग बॉलर है वो अली रजा, उसके अलावा हमें कोई यंग ब्लड नजर नहीं आया इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अली रजा ने मुतासिर किया है और उनको जो कौमी क्रिकेट टीम के हैं उनकी जानिब से भी जो है वो बयान आया है उनका कि उन्होंने बड़े उसके हवाले से एक फ्यूचर जो है उनका ब्राइट करार दिया है जी। इसके अलावा भी जो है जहानदार खान मौजूद थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है कुछ मैचेस के अंदर बिल्कुल। इसी तरह बेसिकली देखा जाए ठीक है फास्ट बॉलर का जो एक शोभा है हमारे पास मौजूद है, हसनैन ने अपना कुछ हद तक जो है वो फिटनेस भी साबित की है और परफॉर्मेंस भी दी है, तो ये यकीनन एक फेज ऐसा है जिसमें हम एटलीस्ट अपने जो बैकअप है उसको हम कुछ ना कुछ हद तक तैयार किए हुए हैं, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्पिनर का एक शोभा है वो बड़ा हमारा मेजर ग्रे एरिया है जिसको हमें कवर करने की जरूरत है। इसी तरह फिर बैटिंग की बात की जाए जी। तो बैटिंग में हमारे पास कमरान गुलाम की सूरत में एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो सामने आई है, उसके अलावा भी उस्मान खान है और साइम अयूब ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, बाबर कुछ ना कुछ जो है वो बेहतर करके गए, रिजवान जो है वो चलते रहे, तो ये सिलसिला ठीक है मुनासिब है, यानी बैटर्स की तरफ से तो हमें इत्मीनान भी है और उसका बैकअप भी हमारे पास कुछ ना कुछ हद तक मौजूद है,
और आपने देखा कि जिस तरह कामरान गुलाम ने परफॉर्मेंस दी, तो उसके बाद जो है वो जो सिलेक्शन थी, सिलेक्शन कमेटी थी, नेशनल सिलेक्शन कमेटी, वो अपना डिसीजन जो है वो रिवाइज करने पे इसलिए मजबूर हुआ कि जो परफॉर्मेंस है वो सबसे तगड़ी चीज है जी जी। वो सबसे वैलिड सबूत है। और इस तरह के टूर्नामेंट जो है वो इस तरह जो भी हमारे फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स हैं, जो भी हमारे स्टार आने वाले वक्तों के स्टार प्लेयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस इस तरह के टूर्नामेंट्स में जो नेशनल टीवी पे, टेलीविजन पे जो ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो वो बड़ी मैटर कर रही होती है। और वो बनने के हवाले से और स्पेसिफिकली उस सूरत में कि जब उनको जरूरत है कि वो जो है उनको चांस दिया जाए, उन्हें मौका दिया जाए, वो अपने आप को परफॉर्म करके जो नेशनल लेवल तो है उस पर तो वो लाजमन अपना आप मनवा ही रहे हैं, जी जी। इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं, बड़ी सीरीज हैं, उनमें मौके दिए जाएं ताकि वो अपनी फिटनेस, अपने जो परफॉर्मेंस है जिसको वो कितने सालों से जो है वो डोमेस्टिक लेवल पर ऑलरेडी मनवा चुके हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी इस चीज को लेके चल सके। तो ये बड़ा फायदा हुआ है और इस चीज का देख लेंगे अब वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के अंदर जो है वो बतौर रिजर्व टीम का हिस्सा होंगे। सर, ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले यूएमटी मारखोर के मेंटोर मिसबाह अल हक साहब ने ये कहा था, इस टूर्नामेंट के अंदर जो खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे वो पाकिस्तान शहीन और पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर मोहम्मद हुसैन ने टॉप आउट किए हैं, उनका नाम टेस्ट टीम में नहीं आया और उनकी जगह पे मोहम्मद अली का नाम आ गया। उनकी जो परफॉर्मेंस बांग्लादेश सीरीज में भी इतनी कोई खातर खा परफॉर्मेंस नहीं रही, तो फिर क्यों उनको रिजर्व प्लेयर पर रख लिया और मोहम्मद हुसैन को नहीं रखा गया? नहीं, यकीनन आपकी बात बड़ी है। मैं इसमें मेरा ये ख्याल है कि हुसैन को रिजर्व बैकअप के तौर पे शायद संभाला जा रहा है और आगे मे बी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ही डायरेक्ट मौका दिया जाए। इस हवाले से मोहम्मद अली की मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी सीरीज है, तो उनको प्रॉपर मौका दिया जा रहा है कि वो एटलीस्ट जो भी उनकी परफॉर्मेंस है वो एक दफा सामने आ जाए, फिर अगर उनको ड्रॉप करने का डिसीजन लिया जाए तो फिर ज़ाहिर है खिलाड़ी को भी एतराज ना हो जी, और जो दूसरा प्लेयर है उसको भी फिर जब वो इन किया जाए तो उसको भी भरपूर फिर मौका दिया जाए। वो कम अज कम 2 से 3 सीरीज खेलने के बाद अपना जो है वो परफॉर्मेंस की बेस पे अपनी सस्टेनेबिलिटी और अपनी जो लॉन्गेविटी है वो रख सके टीम के साथ में। अदरवाइज जाहिर है ये चीज अगर हम मुतवातर चेंजेस करते रहेंगे तो फिर कोई भी अच्छा कम्बिनेशन जो है वो टीम का वो नहीं बन सकेगा और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कोई विनिंग कम्बिनेशन के साथ जो है वो एक फाइनल टीम सिलेक्शन के हवाले से, स्पेसिफिकली जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे कैम इवेंट के जो है बिल्कुल इस वक्त करीब है और आपको चाहिए कोई ऐसी जो है वो कम्बिनेशन के जो आपको इस फॉर्मेट के अंदर, वनडे फॉर्मेट के अंदर मैचेस जितवा के दे सके, ठीक है, जो चल सके लॉन्ग रन में मुस्तकिल अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, तो वो जरूरी है। और ये मेरा ख्याल है इस वक्त टीम जो मैनेजमेंट है, सिलेक्शन है, वो सब इसी चीज को देख के की जा रही है कि हमारे पास क्या बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं, कौन सा कम्बिनेशन हमारा चल रहा है, कौन से बॉलर हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हुसैन ऑलरेडी अपना आप मनवा चुके हुए हैं और डोमेस्टिक हो वो इंटरनेशनल लेवल हो, उनको तो ऐसा सच जो है वो चीज को प्रूव कराना जो है वो शायद इतना अहम नहीं है जितना मोहम्मद अली के लिए सबसे अहम है। जी जी। वो सारी चीजें शायद मैटर कर रही है मैनेजमेंट की नजर में और आने वाले वक्त में ज़रा अंदाजा हो जाएगा। इंग्लैंड सीरीज के हवाले से ज़ाहिर है पहले टेस्ट का ऐलान हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जैसे जैसे हम टूर्नामेंट में भी प्रोग्रेस कर चुके हुए हैं, आने वाली और मजीद परफॉर्मेंसेज जो है वो बाकी खिलाड़ियों के लिए भी दरवाजा खोलेंगे और वो नेक्स्ट जो मैचेज है उनके लिए अवेलेबिलिटी भी देंगे और वो नेशनल टीम का हिस्सा भी होंगे। सर, ड्यूरिंग टूर्नामेंट यूएमटी मारखोर के मेंटोर मिसबाह अल हक साहब अमेरिका चले गई थी चैरिटी के लिए और बाद में अभी उन्होंने बताया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर किया कि उनसे उन्होंने हमसे इजाजत ली थी और ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले उन्होंने बता दिया था, तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपका मेंटोर टीम छोड़ के दूसरे कंट्री चला जाए? ये बड़ा अहम सवाल है आपका। मैं ये समझता हूँ कि जब आपकी नेशनल टीम की सिलेक्शन के मामला हो, आप बतौर मेंटोर किसी बड़ी टीम का हिस्सा हो, तो यकीनन आपका जो पहला फर्ज है वो तो यही बनता है कि आप जो नए खिलाड़ी हैं उनकी सिलेक्शन के हवाले से मामला है और नए टैलेंट की तलाश का जो मामला है उसमें जो है वो नेशनल सिलेक्शन कमेटी को दस्तयाब हूँ। लेकिन अगर आप वो ये नहीं कर पाते तो यकीनन कोई उनकी बहुत ही ज्यादा अहमियत, इससे भी ज्यादा अहम चीज होगी अमेरिका के अंदर जो वहां पर मौजूद है उस बजाय इसके कि वो टीम के साथ हों, तो बहरहाल लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है वो इस वक्त बनती मेरिट पे यही है कि वो अपनी जो नेशनल टीम के हवाले से मामला हैं उनको संभालें, उनको सही करें, दुरुस्त करें, फिर उसके बाद दीगर जो मामला हैं वो प्राइवेट लीग हैं वो जाहिर उसके अंदर बेबहा इस वक्त इन्वेस्टमेंट मौजूद है, पैसे के मामला हैं, तो इस वजह से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही होती है और कई मामला से देखा जा रहा होता है। बहरहाल ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है, जहाँ नेशनल टीम के मामला आए वहाँ पर उसको लाजमन प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हम माजी में जो है देख चुके हैं कि वो मुख्तलिफ जो स्टार प्लेयर्स हैं उन्होंने जब इस चीज को फोकियत दी, अभी भी हमारे सामने उसकी मिसालें मौजूद है,
तो उनका भी ज्यादा जो है वो आवाम में पज़ीराई नहीं मिली। जी जी। तो अगर सबक क्रिकेटर्स की तरफ से भी ऐसा रवैया सामने आएगा तो फिर यकीनन जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो तो मुतासर होगी होगी, और आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी लाजमी इस चीज को देखेगा कि इन फ्यूचर वो फिर ऐसे मेंटोर्स की सिलेक्शन ना करे जो प्रॉपरली अवेलेबल ना हो खिलाड़ियों की जो है वो मेंटोरिंग के लिए उनकी जो है गाइडेंस के लिए, तो वो लाजमन ऐसे मेंटोर देखेगा जो फुल टाइम अवेलेबल हो और कोई अच्छे जो है मामला चला सके पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, अपनी जो खिदमात है वो फुल टाइम अवेलेबल दे सके। सर आप इस टूर्नामेंट को ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कामयाब हुआ इस टूर्नामेंट को, कि उन्होंने जिस तरह जो चाहते थे कि यहां से हमें हासिल हो या बैट्समैन बॉलर्स या विकेट कीपर या स्पिनर्स बॉलर, तो किस तरह देख रहे हैं फैसलाबाद के अंदर ये काफी देर बाद अच्छी क्रिकेट हो रही है, ओवरऑल आप इस टूर्नामेंट को क्या रेट कर रहे हैं? अगर आप मेरे से पूछे रेटिंग के हवाले से तो मैं समझूंगा कि शायद ये 10 में से 7 तक पहुंचे हैं, इन्होंने अपने अहदाफ हासिल किए हैं और कुछ जो है वो प्लेयर्स के हवाले से भी वर्किंग हुई है यकीनन। और असल में बात पहले भी एक डिस्कस कर चुका हूँ कि जब इस तरह के टूर्नामेंट सामने PSL हमारे सामने एक बड़ी ज्यादा मिसाल थी कि जब वो ब्रॉडकास्ट हुआ टूर्नामेंट, तो उसने फिर जो सिर्फ यही नहीं पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक अच्छी मकबूलियत जो है वो हासिल की इसमें, और जाहिर उसकी बड़ी एक वजह जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स जो थे वो मुख्तलिफ टीम का हिस्सा थे, वो एक बड़ी अहम वजह थी। फिर जाहिर ब्रॉडकास्ट के हवाले से मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर्स थे वो मौजूद थे मार्केट में और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी जो भी टीम के मालकान थे उन्होंने अपने टीम की मार्केटिंग की, इसी तरह जो स्टार प्लेयर्स थे लोकल थे या इंटरनेशनल लेवल के थे उनको बड़े अच्छे तरीके से मार्केट किया गया, जिसकी वजह से वो पूरे एक टूर्नामेंट की सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में एक हाइप बन गई, और वो इस वक्त क्रिकेट के हवाले से अगर देखा जाए तो टॉप 3 लीग के अंदर लाजमन पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो शुमार किया जा सकता है। तो वही सेम सिचुएशन थी, लेकिन जाहिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स नहीं मौजूद थे, प्लेयर्स मौजूद नहीं थे, लोकल टूर्नामेंट था और इसमें ज़ाहिर डोमेस्टिक के हवाले से हमारी कोशिश ये थी और मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी यही कोशिश थी कि वो जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको अच्छे तरीके से ब्रॉडकास्ट के जरिए जो दुनिया है उसके सामने लाए, स्पेसिफिकली ज़ाहिर पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं उनको पता चले कि कौन अच्छा परफॉर्म करता है इस जो है फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, इसी तरह जो प्लेयर्स हैं उनको भी इस चीज़ का एक हौसला मिले, हिम्मत मिले कि वो जो है जो भी परफॉर्मेंस देंगे वो सबकी दुनिया देखेगी उनको और वो लाजमन जो है वो मीडिया की खबरों की जीनत बनेगा, हिस्सा बनेगा, और उससे वो जाहिर है जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी नजरों में आएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि कामरान गुलाम की जो सिलेक्शन है, इसी तरह बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी जो सिलेक्शन है वो उसका मुंह बोलता सबूत है। तो कुछ हद तक उन्होंने यकीनन अपने जो है वो अहदाफ हासिल किए हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में मजीद पता चलेगा कि आया ये इससे 100% फायदा उठा पाते हैं या नहीं। इसका जो अल्टीमेट मकसद है कि नया जो टैलेंट है, जो नौजवान टैलेंट है, वो कितना को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने जिस तरह भी अली रजा की बात की, वो एक अच्छे जो है वो हमें फास्ट बॉलर के तौर पर चलाए, तो इसी तरह बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी हमें इसी तरह जब नेक्स्ट आगे आने वाले टूर्नामेंट से आप बनवाते हैं तो यकीनन वो इस काबिल है कि वो फिर नेशनल क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन है उसके हवाले से अवेलेबल होंगे और कल को वो इस टीम का हिस्सा बनकर पाकिस्तान के लिए अपनी नुमाया कारकर्दगी दिखा सकते। जी बहुत शुक्रिया बिलाल हसन साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बिलाल हसन साहब और वो बता रहे थे कि जिस तरह किस तरह क्रिकेट हुई है पाकिस्तान चैंपियंस कप के अंदर, और अब जो प्लेयर चैंपियंस कप के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे उनको सिलेक्ट भी किया जाए, सिर्फ परफॉर्मेंस चैंपियंस कप तक नहीं रहनी चाहिए। क्यों, कामरान गुलाम ने परफॉर्म किया, कामरान गुलाम को आपने 16 खिलाड़ियों में नहीं रखा, जाहिद महमूद ने परफॉर्म किया है, आपने पहले सेलेक्ट नहीं किया, बाद में आपने यूटर्न लिया और आपने उनको 16वें खिलाड़ी के तौर के ऊपर रख लिया है। उसके बाद मोहम्मद हुसैन ने टॉप आउट किए हैं, आपने उनको टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बनाया। इस चैंपियंस कप करवाने का मकसद तो यही था, आपके मेंटोर्स यही कह रहे थे कि यहाँ जो खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे वो हिस्सा बनेंगे पाकिस्तान टीम का आगे, पाकिस्तान शहीन का। लेकिन जो अभी हालिया सिलेक्शन हुई है टेस्ट टीम के लिए उसके अंदर तो कोई ऐसी बात हमें नजर नहीं आई। इस चैंपियंस कप के अंदर जिसने परफॉर्म किया वो तो 16 खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं है। देखना बाकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्यूचर में किस तरह की अब सिलेक्शन करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।